नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। कर्नाटक में मुख्यमंत्री का पद किसके पास होगा, ये लाख टके का सवाल अभी भी बना हुआ है। कर्नाटक के नए सीएम को लेकर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हलचल है और बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस पर्यवेक्षकों के पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद कल उनके आवास पर नेताओं की बैठक में मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबी बैठक हुई। इसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हुए। दिन भर चले मंथन के बाद भी अभी तक कर्नाटक के मुखिया के नाम पर मुहर न लग पाना नेतृत्व की असफलता को दिखाता है। हालांकि आज राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में फिलहाल सिद्धारमैया का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन डीके शिव कुमार भी पार्टी की मजबूती के लिए जी तोड़ मेहनत का हवाला देते हुए अपना दावा जता रहे हैं। राज्य में मिले प्रचंड बहुमत में प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार की भूमिका काफी अहम रही है। भुवनेश्वर में जारी G20 संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आज अंतिम दिन। G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का उद्देश्य एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। विश्व में सांस्कृतिक बदलाव से इसे साकार किया जा सकता है और वसुधैव कुटुंबकम को स्थापित किया जा सकता है। 13वीं शताब्दी में 1238 से 1264 के बीच निर्मित सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। ये 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्मारकों में शामिल है। मंदिर की भव्य वस्तुकला देख विदेशी पर्यटक आवाक रह गए। वहीं बैठक में कई अहम विषयों पर भी चर्चा हुई। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत मुंबई में चल रही तीसरी ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन। इस बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक में प्रौद्योगिकी अंतर, ऊर्जा परिवर्तन और भविष्य के ईंधन के लिए किफायती वित्तीय सहायता जैसे मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। इस आयोजन से सदस्य देशों के बीच समझौते और समझ से स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय के एक वर्चुअल वॉक थ्रू का उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय उन ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तित्वों, विचारों और उपलब्धियों को उजागर करने और प्रदर्शित करने का एक व्यापक प्रयास है जिन्होंने भारत के वर्तमान के निर्माण में योगदान दिया है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के शुभंकर ग्राफिक नोवेल संग्रहालय में एक दिन भारतीय संग्रहालयों की निदेशिका, कर्तव्य पथ के पॉकेट मानचित्र और संग्रहालय कार्ड का भी विमोचन करें। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक रिपोर्ट जारी कर भारत में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर कुछ आरोप लगाए थे। अब इन आरोपों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है और रिपोर्ट को प्रेरित और पक्षपातपूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अफसोस की बात है कि इस तरह की रिपोर्ट्स अब भी गलत सूचना और गलत समझ पर आधारित हैं। अरिंदम बागची ने कहा कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा प्रेरित और पक्षपाती टिप्पणी केवल इन रिपोर्टों की विश्वसनीयता को कम करने का काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 19 तारीख को 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे। वे इस महीने की 19 से 21 तारीख तक जापान में हिरोशिमा की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के निमंत्रण पर G7 शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरिसबी के लिए रवाना होंगे। बाद में प्रधानमंत्री 22 मई को ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के लिए रवाना होंगे। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की ब्रसल्स में कल बैठक हुई। पहली मंत्रिस्तरीय बैठक में दोनों पक्षों ने डिजिटल और स्वच्छ प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की।
बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शिरकत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली बैठक भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि इस बैठक में टीटीसी, G20, वैश्विक दक्षिण की आवाज, यूक्रेन और हिंद प्रशांत पर विस्तार से चर्चा की गई। इस तरह के संवाद से हमारी रणनीतिक साझेदारी मजबूत होती है। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वे सागर के साथ सभी हितधारकों की रचनात्मक बातचीत हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विजन में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना, दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना और लचीली मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण करना शामिल है। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के साथ कर्फ्यू में और ज्यादा ढील दी गई। राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने कल इम्फाल में कहा कि राज्य में दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग अब खुल गए हैं और आवश्यक वस्तुओं के ट्रक सुरक्षित इम्फाल पहुंच गए हैं। राज्य में फर्जी खबरों और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए अफवाह मुक्त मणिपुर कक्ष खोला है। इस कक्ष में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी फर्जी खबर की पुष्टि के लिए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। मणिपुर राज्य प्रशासन के परामर्श से मणिपुर राज्य में स्थिति की सावधानी पूर्वक समीक्षा करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के मणिपुर के इम्फाल में केंद्र के उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक केंद्रों की प्रस्तावित करने का निर्णय लिया है। ये परीक्षा 28 मई 2023 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए इम्फाल के वैकल्पिक केंद्रों के लिए मिजोरम में आइजोल, नागालैंड में कोहिमा, मेघालय में शिलांग, असम में दिसपुर और जोरहाट, पश्चिम बंगाल में कोलकाता और दिल्ली को केंद्र बनाया गया है। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम सुविधा के माध्यम से इम्फाल केंद्र के उम्मीदवारों के लिए केंद्र परिवर्तन का विकल्प उपलब्ध होगा। इस संबंध में प्रत्येक उम्मीदवार को आयोग के पास उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक संदेश भेजा जाएगा। IVRS के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को अपने उक्त पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करना होगा। उम्मीदवार आज दोपहर 12 बजे से 19 मई शाम 5 बजे तक UPSC से संपर्क करने के लिए मणिपुर राज्य में किसी भी जिला प्रशासन के कार्यालय पहुंच सकते हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के निर्देशानुसार सभी मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा आज राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए पेंशन अदालत आयोजित करेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़े हुए पेंशन प्राप्तकर्ता और पारिवारिक पेंशनभोगी यदि अपनी पेंशन से संबंधी किसी शिकायत से जूझ रहे हैं तो वे समाधान के लिए पेंशन अदालत की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत चिल्ली मोड़ के पास टैंकर और टेम्पो के बीच भीषण टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। टेम्पो में 11 लोग सवार थे, 2 घायल हैं जिनका इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद, इससे जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, इसके साथ ही मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की पूरी मदद ले चुका है। प्रधानमंत्री ने फतेहपुर में हुई सड़क दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायल लोगों में प्रत्येक को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। भारतीय मौसम विभाग ने कहा इस साल केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की शुरुआत हो सकती है देर से। मौसम विभाग के अनुसार 4 दिनों की मॉडल त्रुटि के साथ 4 जून से मॉनसून की शुरुआत होने की है संभावना। राजस्थान के जयपुर में गर्मी से लोग खास प्रभावित हैं। प्रदेश में लगातार लू चल रही है जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में कल शाम छतरपुर में तूफान के बाद तापमान में गिरावट आई। बढ़ते तापमान के बीच लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। छतरपुर में मौसम विज्ञान अधिकारी का कहना है कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसका असर जिले में 3 दिन तक बने रहने की संभावना है।
इसके कारण तापमान में गिरावट आएगी और कहीं कहीं आंधी तूफान के साथ साथ ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी से वायु गुणवत्ता प्रभावित, इसके कारण विजिबिलिटी भी कम हुई। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के इंदिरा गांधी कला केंद्र में मंगलवार की शाम एक पुस्तक हमारा जीवन हमारी यादें का विमोचन किया। पुस्तक में संघर्षों की आग में तपकर आए सामाजिक नायकों के आत्मवृत्तांत को संकलित किया गया है। भारत की रक्षा परियोजनाओं से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों के अवैध संग्रह में शामिल एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने कल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और जयपुर सहित देश के 12 विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली। आरोपी डीआरडीओ रक्षा परियोजनाओं और उनकी प्रगति के विवरण, भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की खरीद के बारे में संवेदनशील विवरण सहित संवेदनशील जानकारी के अवैध संग्रह में शामिल था। सीबीआई ने इस मामले में 9 दिसंबर 2022 को केस दर्ज किया था। नोएडा में पुलिस ने एक गैंग का खुलासा किया है जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गैंग व्यवस्थित तरीके से ठगी करता था। कुछ दिनों पहले HDFC बैंक ने शिकायत की थी कि उनके यहाँ कुछ फर्जी कंपनियां रजिस्टर कर लोन लेकर बैंक को नुकसान पहुंचा रही है। इस मामले पर नोएडा के पुलिस उपायुक्त ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग फर्जी कागजात बनाकर ठगी करते थे। इन लोगों ने विभिन्न बैंकों से करीब 23 करोड़ रुपए की ठगी की है। तमिलनाडु में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। अब तक विलुपुरम में 13 और चेंगलपट्टू में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मामला CBCID को स्थानांतरित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल द केरल स्टोरी की पूरी टीम के साथ फिल्म देखी। उन्होंने कहा कि ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेम के जाल में फंसकर अंधेरी दुनिया में हमारी बेटियां पहुंच जाती हैं, साथ ही देश विरोधी कृत्य में भी उनको फंसा दिया जाता है। फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन लगाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करेगा। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया था। मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर द फिल्म केरला स्टोरी पर बैन लगाने के अपने फैसले का बचाव किया। राज्य सरकार ने कहा कि ये फिल्म गलत तथ्यों पर आधारित है। सरकार का कहना है कि फिल्म पर बैन से फिल्म निर्माता के किसी मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए सरकारी नौकरियों पर और शिक्षा में 10% आरक्षण को सही ठहराने के अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। देश भर में 100 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। ड्रग्स, आतंकवाद और गैंगस्टर गठजोड़ मामले को लेकर एनआईए कर रहा है छापेमारी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सागर परिक्रमा पहल के चरण 5 की शुरुआत की घोषणा की। 17 मई 2023 को रायगढ़ महाराष्ट्र से शुरू होकर 19 मई 2023 को कोंकणा गोवा में समाप्त होने वाली है यात्रा। यात्रा का उद्देश्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जैसे विभिन्न मत्स्य पालन योजनाओं और कार्यक्रमों और योजना और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मछुआरों और हितधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, प्लस एफ का निशान। प्लस एफ, रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की, हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की, इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे प्लस एफ के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन्स और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद प्लस एफ लोगो फ्रॉम टुडे। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान।
बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है और एक्सप्रेस 100 का सफर जारी करते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों और विभिन्न सरकारी निकायों और संगठनों के अधिकारियों के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। सागर परिक्रमा, 75वें आजादी के अमृत महोत्सव की भावना को याद करते हुए और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, नाविकों और मछुआरों को सम्मानित करते हुए मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने का प्रतीक है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि देश की जीडीपी में मत्स्य पालन क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने में पीएमएमएसवाई परिवर्तनकारी साबित हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हितधारकों के साथ भारत सरकार द्वारा अभिनव और सक्रिय उपाय एक नई नीली क्रांति ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के मत्स्य पालन क्षमता असीम है और इसका अभी भी जैविक तथा टिकाऊ तरीके से दोहन किया जाना शेष है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने में मदद करने के उद्देश्य से संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के एक और प्रयास में 814 करोड़ रुपए के आयातित मूल्य के 164 आइटम का स्वदेशीकरण किया गया है। अब तक सैन्य महत्व वाली 2736 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा चुका है, जिनका आयातित मूल्य 2570 करोड़ रुपए है। अब ये स्वदेशी वस्तुएं भारतीय उद्योग से ही खरीदी जाएंगी। रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा मंत्रालय ने निर्धारित समय सीमा से पहले ही इन्हें स्वदेशी कर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बिहार के 50 रेलवे स्टेशनों पर पारंपरिक शिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण एवं अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से एक स्टेशन एक उत्पाद केंद्र खोले गए हैं। केरल मुख्यालय वाली एक्सपीरियन टेक्नोलॉजी ने मंगलवार को कहा कि वे अगले दो वर्षों के भीतर 600 नए आईटी ग्रेजुएट सहित अतिरिक्त 1500 आईटी प्रोफेशनल्स को नियुक्त करेगी, जिससे कुल कर्मचारियों की संख्या दोगुनी होकर 3000 हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि आईओएस के लिए फोन लिंक अब सभी विंडोज 11 कस्टमर्स के लिए उपलब्ध है, जिससे आईफोन यूजर्स को फोन कॉल करने और रिसीव करने, अपने कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचने और सीधे अपने विंडोज पीसी से फोन नोटिफिकेशन देखने की सुविधा देता है। अमेजोन इंडिया ने अपने क्लाउड डिविजन AWS के साथ साथ पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस या HR और सपोर्ट वर्टिकल से लगभग 400 से 500 कर्मचारियों को निकाला। मेटा स्वामित्व वाला व्हाट्सएप मेकोस डिवाइसों पर एक नया ग्रुप कॉलिंग फीचर शुरू कर रहा है, जो यूजर्स को चुनिंदा प्रतिभागियों के साथ ग्रुप कॉल करने की अनुमति देगा। शक्तिशाली तूफान मोखा से प्रभावित म्यांमार में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। उत्तर पश्चिमी म्यांमार और बांग्लादेश में बचाव और राहत के प्रयास जारी। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता अधिकारी चक्रवात के कारण विस्थापित लोगों के शिविरों को हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार चक्रवात की वजह से 1000 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। तबाह होने वाली इमारतों में 850 से अधिक घर, 64 स्कूल, 14 स्वास्थ्य सुविधाएं और 7 संचार टॉवर शामिल। म्यांमार के इतिहास में आने वाले सबसे भीषण तूफानों में से एक था। वहीं बांग्लादेश में भी राहत और पुनर्वास का काम जारी। इटली के पूर्व उत्तर क्षेत्र में बारिश के कहर से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ से इलाकों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। बाढ़ के कारण इटली की सबसे लंबी नदी का भी जलस्तर बढ़ा। मोंटेरेजियो क्षेत्र में मिट्टी धंसने से 10 लोग फंस गए, जिन्हें सुरक्षित उनके आवास से बाहर निकाला गया। स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए पूरी मशक्कत के साथ जुटा। कनाडा के अल्बर्टा शहर में जंगलों में लगी आग बढ़ती जा रही है। आग के कारण हवा की गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंची, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई है। आग के कहर से 20,000 लोगों ने अपने घरों को खाली किया।
स्पेन के ओरियो शहर में धमाके से दो लोगों की मौत। अधिकारियों ने कहा धमाका बच्चों के खेल के मैदान के पास हुआ। धमाके के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध पर मंगलवार को आइसलैंड में यूरोपीय नेताओं का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराना, नुकसान का आकलन करना था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्डिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणालियों के लिए काम करने वाले सभी लोगों को दिया धन्यवाद। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की मुंबई इंडियंस पर 5 रन की रोमांचक जीत के साथ ही लखनऊ की टीम ने खुद को प्लेऑफ के और करीब पहुंचाया। मुंबई के खिलाफ मुकाबले में मैच के हीरो तेज गेंदबाज मोहसिन खान रहे, जिन्होंने आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को 11 रन नहीं बनाने दिए। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना पंजाब किंग्स से। धर्मशाला के मैदान पर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पंजाब को इस मुकाबले में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। ताजा जारी बैडमिंटन रैंकिंग में एचएस प्रणॉय पहुंचे 7वें स्थान पर, पहली बार हासिल की इतनी ऊंची रैंकिंग। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी ने भी 17वें स्थान से 15वें स्थान तक छलांग लगाते हुए अपने करियर की बेस्ट रैंकिंग हासिल की। आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 1 जून से होने वाले एकमात्र टेस्ट के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम की हुई घोषणा। बेन स्टोक्स के नेतृत्व वाली 15 सदस्यीय टीम में जॉनी बेयरस्टो की वापसी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को एशेज सीरीज से पहले लगा बड़ा झटका, तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इंग्लिश समर के दौरान होने वाली क्रिकेट से बाहर। इंटर मिलान की टीम चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची, टीम ने 2010 के बाद पहली बार खुद को फाइनल में पहुंचाया है। फाइनल में इंटर मिलान का सामना मैनचेस्टर सिटी या फिर रियल मैड्रिड से होगा। फाइनल मैच इस्तांबुल में 10 जून को खेला जाएगा। जीत के बाद खुशी से झूम उठे इंटर मिलान के समर्थक, जमकर की आतिशबाजी। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के बीच होगा सेमीफाइनल के दूसरे लेग का मुकाबला। पहला लेग 1-1 से रहा था ड्रॉ। मार्सेलो बिल्सा हुए उरुग्वे फुटबॉल टीम के नए कोच, 2026 तक का किया अनुबंध। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वांतक ने इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, क्रोशिया की डोना वेकिच को हराया। स्टेफनो सिपास ने इटालियन ओपन के तीसरे दौर की बाधा पार की, लोरेंजो सोनगो को दी मात। नॉर्वे के कैस्पर रूड ने भी क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, रूड ने लेस्लो जेरे को दी शिकस्त। फ्रांस में 76वां कान फिल्म महोत्सव का हुआ आगाज, कान में भारतीय पेविलियन का शुभारंभ आज। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन करेंगे पेविलियन का शुभारंभ। इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एक वीडियो संदेश के माध्यम से 76वें कान महोत्सव के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। संबोधन में भारत को कंटेंट निर्माण में वैश्विक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद ने भारतीय पेविलियन की है संकल्पना और इसका डिजाइन तैयार किया है, जो वैश्विक समुदाय के लिए भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन विषय पर आधारित है। पेविलियन का डिजाइन सरस्वती यंत्र से प्रेरित, जो ज्ञान संगीत कला भाषण और शिक्षा की देवी सरस्वती का मूर्त प्रतिनिधित्व करता है। पेविलियन के रंग भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवित रंगों केसरिया सफेद और हरा तथा नीला से प्रेरित। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मंगलवार को कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। डॉक्टर मुरुगन रेड कार्पेट पर समृद्ध भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए पारंपरिक तमिल पोशाक वेष्टी में रेड कार्पेट पर नजर आए। कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्मों का डंका बजने वाला है, अनुराग कश्यप की कैनेडी को फेस्टिवल के मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन के हिस्से के रूप में चुना गया। एक्ट्रेस श्रुति हासन लैंगिक समानता पर आयोजित होने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सम्मानित अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल में होंगी शामिल। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने शाहरुख खान से की मुलाकात। गारसेटी इससे पहले अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी।
आदि पुरुष सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार। फिल्म का प्रीमियर ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में होगा, जिसके बाद ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता राघव लॉरेंस और एस डे सूर्या की एक्शन ड्रामा फिल्म दिवाली पर होगी रिलीज। ये फिल्म 2014 में आई गैंगस्टर एक्शन फिल्म जगह ठंडा का प्रीक्वल है। विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन हाउस में बनी द केरला स्टोरी ने 150 करोड़ क्लब के क्लब में की एंट्री। संभव है कि अगर ये ऐसी रफ्तार से बॉक्स ऑफिस पर आगे बढ़ती रही तो 200 करोड़ का आंकड़ा जल्द छुएगी। अवतार द वे ऑफ वाटर बीते साल 16 दिसंबर को रिलीज हुई थी, अब इसे आप देख सकते हैं ओटीटी पर। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।